अस्सलाम वालेकुम सामीन, 20 ज़िलकादे की तारीख शुरू हो चुकी है, 20 जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है, पटना पुलिस ने गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर पर छापा मारा लेकिन गुरु रहमान नहीं मिले। पुलिस का मानना यह है कि जो नौजवान बिहार में प्रदर्शन मुजाहरा कर रहे हैं और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं, उनको कोचिंग सेंटर वाले बहका रहे हैं। इसीलिए आज पटना पुलिस ने जहां दूसरे बहुत सारे कोचिंग सेंटरों पर छापे मारे हैं, वहां गुरु रहमान के सेंटर पर भी छापा मारा है। उधर और भी कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस कोचिंग सेंटर वालों की जाँच कर रही है कि इन्होंने कहाँ तक भड़काया है। इस बीच आपको बतला दें कि आज हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है के बहुत से फैसले ऐसे हैं जो शुरू में गलत नामुनासिब लगा करते हैं लेकिन बाद में वो देश के लिए मददगार बन जाते हैं। वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर अग्निपथ स्कीम का नाम नहीं लिया है लेकिन समझा ऐसा जा रहा है कि उनका इशारा इसी तरफ है। इस बीच खबर यह आई है कि कल मंगल के दिन तीनों फौजों के जो सुदूर हैं, चीफ हैं, बड़े हैं, बर्री बहरी हवाई, इन फौजों के जो चीफ हैं, सदर हैं, वो सब वज़ीर आज़म से कल इसी बारे में मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल इस स्कीम के तहत अग्निपथ जो स्कीम लाई है सरकार, उसके ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। सरकार उसको फ़ायदेमंद बता रही है और अपोजिशन पार्टियां और नौजवान उसको नुकसान वाला बता रहे हैं। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है।